सब्जेक्ट है EE307 पावर सिस्टम, सेकेंड यूनिट है 7th कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स, टॉपिक है ग्रेडिंग ऑफ केबल। ठीक है, तो जो लास्ट टॉपिक था हमने पढ़ा था कि कैसे हम लेइंग ऑफ केबल कंसिडर करते हैं और किस तरीके से वो कंप्लीट होता है प्रोसीजर। तो उस तरीके से अब बात करते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के अंदर ये जैसे ये भी उसी तरीके से जैसे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो था हमने डिस्कस किया था कि वो थ्रू आउट द कंडक्टर वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, इंसुलेटर इक्वल नहीं रहता है, जो नियरर टू द जो कंडक्टर होता है उसके अक्रॉस ज़्यादा होता है और क्रॉस आर्म के अक्रॉस जो होता है वो कम होता है। तो इसी तरीके से जो ग्रेडिंग होता है ये भी जो होता है इसका प्रोसीजर भी होता है कि हम जो स्ट्रेस जो होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो होता है कंडक्टर के अक्रॉस उसको इक्वलाइज करना होता है, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो होता है थ्रू आउट द केबल जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, अनइवन होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसके सरफेस पे तो अधिक होता है, और द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टर वाइल इट इज़ मिनिमम एट द आउटर मोस्ट शीट ऑफ कंडक्टर। और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है कंडक्टर वहाँ पे कम होता है और जो आउटर सरफेस होता है वहाँ पे अधिक होता है। इफ स्ट्रेस इज इक्वल टू द डाइलेक्ट्रिक ऑफ कंडक्टर देन थिकनेस ऑफ कंडक्टर इज रिड्यूस। अगर जो स्ट्रेस है ना वो कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा तो जो थिकनेस है वो उसकी वायर की कम हो जाएगी। बट इफ़ इट इज़ स्ट्रेस इज़ मैक्सिमम एट एनी पॉइंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर हम ये मान के चले कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो है किसी पॉइंट पे अधिक रहता है तो थिकनेस ऑफ केबल जो होगी उस वो भी बढ़ जाएगी और है ना कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाती है। देर आर टू मेथड ऑफ ग्रेडिंग केबल, फर्स्ट कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और इंटरशिप ग्रेडिंग। तो पहले बात करते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और जिसको हम डाइलेक्ट्रिक ग्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम बना है जिसमें मैंने एक कंडक्टर वायर लिया है। ठीक है, उसकी लेयर्स को कंसिडर किया है और इस थ्रू आउट द लेयर्स जो है कंडक्टर पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो है अनइवन रहता है, जैसे कि मैंने बताया था कि आउटर सरफेस पे वो अधिक होता है और इनर मोस्ट पे मिनिमम होता है। तो जो इनर मोस्ट पे जो रेडियस है स्मॉल आर है और फिर आर टू है, ये आर वन है और सबसे लास्ट वाली की कैपिटल आर है। तो इन दिस टाइप ऑफ ग्रेडिंग होमोजूनियस डायलेक्ट्रिक इज रिप्लेस बाय द लेयर ऑफ डायलेक्ट्रिक हैविंग डिफरेंट वैल्यू और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फॉर द ग्रेडिंग जो होता है वो अनइवन होने के कारण एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायलेक्ट्रिक विल बी रिक्वायर्ड। द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कैन बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यूजिंग टू और मोर डायलेक्ट्रिक हैविंग सुटेबल परमिटिविटी। ठीक है, तो अब जैसे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो है हम इसी फॉर्मूले से पढ़ सकते हैं जिसको हम जी एक्स से डिनोट करते हैं। क्यू जो है चार्ज अक्रॉस द केबल है, 2 पाई ई नॉट ई आर जो है परमिटिविटी है, एक्स जो है डिस्टेंस हो जाएगी और क्यू जो है चार्ज जो है कॉन्स्टेंट रहता है। तो लेट अस कंसिडर केबल हैविंग 3 डायलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी E1, E2 एंड E3। ठीक है, और E1 इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन E2, E2 इज लेस देन टू E3। लेट R1, R2 एंड आउटर सरफेस रेडियस R बी द आउटर रेडी ऑफ डायलेक्ट्रिक। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेयर इनर लेयर जो होगा वो V1 होगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे V2, V3 हो जाएगा। तो इसके रे अगर डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो R2 R1 लेंगे, R2 R1 की तरफ ले रहे हैं और g dx है। g क्या है यहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो है जो हमने जिसका फॉर्मूला हमने बताया था q/2πe0e1 dx है। तो v1 क्या हो जाएगा q/2πe0e1 log ऑफ R1/R, क्योंकि dx जो ये पूरा कांस्टेंट है जो बाहर आ गया और 1/x dx करना है। 1/x का log ऑफ x होता है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log ऑफ R1/R हो गया, तो ये v1 का मान हो गया। इस तरीके से हम ऊपर नीचे अगर r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो ये टर्म बचती है जी मैक्सिमम r इंटू log ऑफ R1/RN। तो दिस सिमिलर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2 होगा अक्रॉस द मिडल लेयर। ठीक
रखें तो v2 का मान भी इसी प्रकार से g मैक्सिमम 2 ले लिया है, यहाँ पे r की जगह पे r1 ले लिया है, log ऑफ r2 अपॉन r ले लिया है, जैसे पहले r1 अपॉन r दिया तो इसी प्रकार से स्मॉल r2 अपॉन r1, स्मॉल r2 और r1, जैसे r1 ले लिया है। तो सिमिलरली है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन r2 एंड r भी इसी प्रकार से लेंगे, जैसे इसका हो गया, इन दोनों का हो गया, तो अब इन दोनों का बचा है तो ये भी v3 हो जाएगा, v3 g मैक्सिमम 3 log ऑफ r1 अपन r2, जस्ट ये चीज़ चेंज हो रही है, बाकी सारी जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कोर एंड इंटरशीट विल बी सेम। तो टोटल वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, v=v1+v2+v3, इन तीनों का एडिशन यहाँ पे शो कर दिया है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन वोल्ट, तो जो ये पूरी टर्म आ रही है इसको क्यू से डिवाइड कर दिया है, तो ये जो क्यू अपॉन 2πe0 जो है कॉमन ले लिया है, 1/e1 log ऑफ r1/r बच गया, 1/e2 log r2/r बच गया, प्लस 1/e3 log ऑफ R/r2 बच गया। तो ये पूरा कैपेसिटेंस ऑफ केबल हो गया 2πe0, इसको ओपन आउट करेंगे तो ब्रैकेट्स को, तो ये टर्म बचेगी 1/e1 log ऑफ r1, ये सारी चीज़ें डिवाइडेशन में आ गई और ये ऊपर चला गया। द मैक्सिमम स्ट्रेस इज गिवन बाय दिस टर्म्स g मैक्सिमम 2 g मैक्सिमम 3, ये जो यहाँ पे निकाला है अपने g मैक्सिमम 2 वही है। इन केस द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द सेम इन द ईच लेयर, अगर ये मान के चले कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है सेम रह रहा है, तो क्या हो गया, g मैक्सिमम 2 g मैक्सिमम 3 = g मैक्सिमम, टोटल g मैक्सिमम, तो e1r = e2r = e3r, जो परमिटिविटी ऑफ केबल है वो भी इक्वल हो जाएगी, तो टोटल वोल्टेज अप्लाई क्रॉस केबल क्या हो जाएगा, g मैक्सिमम ये जो है इक्वल है, इसे g मैक्सिमम आ गया, r log r1/r1 r2 log R2 जी मैक्सिमम, रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेस एंड वोल्टेज आर रिप्रेजेंटेड इन पीक वैल्यू नॉट इन RMS वैल्यू, ये जो सारी चीज़ें हैं ये पीक में शो कर रहे हैं, नॉट कि RMS वैल्यू में शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरशीट ग्रेडिंग, इंटरशीट ग्रेडिंग क्या होता है, अब इंटरशीट ग्रेडिंग के अंदर ये होता है कि जो मेथड है कीपिंग द ग्रेजुअल वोल्टेज अक्रॉस द इंसुलेटर बाय यूजिंग द लेयर ऑफ इंसुलेटर, सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लेयर ऑफ इंसुलेटर्स ले रहे हैं, इन दिस मैटर यूनिफॉर्म वोल्टेज इज डेवलप्ड अक्रॉस द केबल इंसुलेटर, द टोटल लेयर ऑफ इंसुलेशन मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेयर बाय प्रोवाइडिंग इंटरशीट, ठीक है। तो जो टोटल लेयर हम कंसिडर कर रहे हैं 1, 2, 3 अगर ले रहे हैं तो वो डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ लेयर प्रोवाइडिंग इंटरशीट, द इंटरशीट आर द थिन मेटेलिक सिलेंड्रिकल शीट होती है जो कंसिडर विद द कंडक्टर एंड प्लेस बिटवीन द कंडक्टर एंड आउटसाइड शीट, इस जो शीट होती है इस मेटेलिक शीट के साथ में कंडक्टर के साथ में कंडक्टर और आउटर शीट जो होती है उसके बीच में जोड़ते हैं, तो कंसिडर केबल विद में इंटरशीट ओनली एज सोन इन बिलो, ठीक है। तो अब इसका जो है इनर जो रेडियस है वो आर है, फिर मिडल का r1 है और आउटर लेयर का कैपिटल r है रेडियस, तो कंसिडर केबल विद द वन जस्ट इंटरशीट ओनली एज सोन इन द फिगर बिलो, द r1 रेडियस ऑफ द इंटरशीट है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ आउटर शीट है, v1 जो है वोल्टेज बिटवीन कोर एंड इंटरशीट है, v2 जो है वोल्टेज बिटवीन इंटरशीट एंड आउटर शीट है, टोटल वोल्टेज v जो है वो ये है। द मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द सेकेंड लेयर विल बी इज द जी मैक्सिमम v1/r log ऑफ r1/r, द मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट इन सेकेंड इक्वेशन विल बी द v2, सिमिलरली v1 के सेम टू सेम है, जब v1 की जगह पे v2 आ गया है और r की जगह पे r1 log ऑफ आउटर लेयर रेडियस हो गया है कैपिटल r/r, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं जो कि g मैक्सिमम के इक्वल हो गया, तो टोटल वोल्टेज v1+v2 = g मैक्सिमम इन दोनों का एडिशन हो गया है, तो r log r1/r + r1 log r/r1, ये जो चीज़ें अभी यहाँ पे ऊपर बताई थी वही चीज़ें वापस ऐड हो गई हैं, तो r1/r जो है वो e हो गया है, ठीक है। तो r1/r
अब जी मैक्स वन अपन बराबर क्या हो जाएगा, वी वन अपन आर, और आर वन बराबर ई आर है, तो क्या हो जाएगा, ई आर की जगह पे ई एज इट इज़ ई रह गया है, और आर की जगह पे क्या हो जाएगा, ये दिस टर्म आ जाएगी वी वन अपॉन जी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में गया तो वी वन अपॉन जी मैक्सिमम आ गया, तो वो ही पुट कर दिया यहाँ पे वी वन अपॉन जी मैक्सिमम। सिमिलरली जी मैक्सिमम वी टू अपॉन आर वन लॉग आर वन अपॉन आर है, तो वी वन अपॉन आर बराबर वी टू अपॉन आर लॉग आर कैपिटल आर अपॉन आर वन हो गया। तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ आर अपॉन आर वन बराबर क्या हो जाएगा, वी टू अपन वी वन इंटू आर अपन आर वन, ठीक है, वी टू अपन वी वन और आर अपन आर वन, ठीक है। तो वी टू अपन ई वी वन बराबर क्या हो जाएगा, इधर आते ही वी वन एस वी वन ई वी वन, तो वी अपन ई वी वन माइनस वन अपन ई, तो आर अपन आर वन बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू वी अपन एप्सिलॉन वी वन माइनस वन अपन ई, तो आर वन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन टू द पावर वी अपॉन ई वी वन इंटू वन अपॉन ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वी वन जी मैक्सिमम ई टू द पावर वी अपॉन ई एप्सिलॉन वन माइनस ई वन अपॉन ई। तो इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो अपन को मिलेगा ए वी वन वी अपॉन ई इंटू ई टू द पावर, वेयर जो यहाँ पे ए जो है कॉन्स्टेंट, जिसका मान यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, ये दिस वैल्यू है वन टू वन अपॉन जी मैक्सिमम ई टू द पावर वन माइनस वन अपॉन ई एप्सिलॉन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। ये यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम ये ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल जो फॉर्मूल इक्वेशन है इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो आर अपॉन वी जी मैक्सिमम बराबर ई वी अपॉन ये ई जी मैक्सिमम जो मिल रहा है, इससे हम शॉर्ट आउट करके कैपिटल आर का मान निकालेंगे, जहाँ पे हम जानते हैं कि ई बराबर जो है 2.712 होता है, तो कुछ नहीं किया है, एक ही जगह पे 2.718 का मान रख दिया है, जहाँ जहाँ पे भी ई ई प्रेजेंट है, तो इस तरीके से कैपिटल आर का मान हमें पता चल जाता है, जो कि आउटर लेयर का रेडियस है, जिसको बोलते हैं इंटरशीट का रेडियस है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रेडिंग जो ऑफ केबल कंप्लीट होती है। थैंक यू।